Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata और फिर इनसे अलग होते हैं योगी, इनके ऊपर होते हैं योगी। तो योगी जो हैं, योगी ये योग मार्ग के द्वारा जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं, और इसके लिए ये क्या करते हैं, ये अलग अलग जो अष्ट सिद्धियाँ हैं उसको प्राप्त करने में लगे रहते हैं। अष्ट सिद्धि हमने क्या है, प्रभुपाद जी कई बार मेंशन करते हैं, इशिता वशिता प्राप्ति अनिमा लघिमा, तो ये सब जो है ये सब सिद्धियाँ हैं। तो उनके द्वारा जो है ये उनको साक्षात्कार प्राप्त करना होता है, और इसके लिए प्रभुपाद जी इनको सिद्धि कामी जो है वो कहकर संबोधित करते हैं। तो भुक्ति कामी, मुक्ति कामी और सिद्धि कामी, ये तीन प्रकार के लोगों का जो है वर्णन है जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं इसके ऊपर जो चौथा प्रकार है जो है भगवान के शुद्ध भक्त, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, ना भुक्ति चाहिए ना मुक्ति चाहिए ना सिद्धियां चाहिए। उनका ये है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ भी नहीं चाहता कि मुझे ये मिले मुझे वो मिले, मुझे सिर्फ भगवान को क्या चाहिए वो देखते हैं। बस भगवान को किस तरह हम प्रसन्न कर सकें, भगवान के लिए मैं क्या करूं और भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, यही उनका एक आशा होता है। और इस भगवान को ऐसे लोग जो हैं ज़्यादा पसंद है, भगवान के जो जो भक्त हैं जो जो भगवान के बारे में सोचते हैं, मतलब अपने लिए कुछ नहीं चाहते, जैसे वो बहुत फेमस श्लोक भी है ना, स्वर्ग की नरक से, मतलब स्वर्ग हो नरक हो कहीं पे भी डालो उनको कोई परवाह नहीं, बस उनको भगवान का जो है उनको कार्य करना है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी फिर भगवद्गीता से भी अर्जुन का उदाहरण देते हैं। अर्जुन जो था, पहले उसका एक सेल्फ इंटरेस्ट था कि नहीं नहीं मैं युद्ध कैसे करूं, मैं युद्ध करूंगा तो मेरे सब घर वाले मारे जाएंगे, मैं किसके साथ भोग भोगूंगा, मैं ये राज्य तो मिल जाएगा लेकिन इसको एंजॉय करने वाला कोई मेरे साथ रहेगा नहीं, तो ये राज्य का क्या फायदा, तो अपना सेल्फ इंटरेस्ट वो देख रहा था। लेकिन जैसे जैसे देखते हैं कि भगवान को गीता सुनाते जाते हैं, उनका ग्रेजुअल उनका जो है जैसे जैसे आगे बढ़ता है अध्याय, वैसे वैसे वो उनका रियलाइजेशन होते जाता है और बोलते हैं करिष्य वचनम तव, ठीक है मैं आप जो बोलेंगे वही करूँगा, आपको क्या इच्छा है बोलो, युद्ध करना है इसको मेरे पिता माँ को मारना है गुरु को मारना है, मैं आपके वचन के हिसाब से मतलब आई एम रेडी टू वर्क। तो ये होता है एक शुद्ध भक्त, उसको अपना इंटरेस्ट कुछ भी नहीं देखता, इज ओनली इंटरेस्टेड भगवान को क्या चाहिए। और अगर हम देखें तो एक जो शुद्ध प्रेम जो होता है उसका लक्षण ही यही है, मतलब भौतिक जगत में तो दिखता नहीं है, लेकिन जो एक अच्छा एक रिलेशन है, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका का हो या हस्बैंड वाइफ का हो, तो अगर उसका ये इच्छा है अरे मैं ये करूँगा तो मुझे इससे ये मिलेगा, मैं ये करूँगा तो मुझसे ये मिलेगा, देट इज़ नेवर गोइंग टू वर्क। सही प्रेम क्या है, आपको क्या चाहिए, मैं आपके लिए क्या करूँ, और यही जो मूड है इस सभी का मूड यही है जो शुद्ध भक्त है। इवन हम गोपियों का भी एग्जांपल देखते हैं, गोपियां भी जो थी उनको अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहिए था, अरे लाला तुझे क्या चाहिए, काना तुझे क्या चाहिए, काना काना लाला लाला करते करते दिन भर उनके पीछे भागते रहते थे। और वो भी जो नारद मुनि वाला पास टाइम है, जो भगवान उनको बोलते अरे मेरा बहुत सब दुख रहा है मेरा, मुझे जो है मुझे सिर्फ भक्तों के चरणों की धूल चाहिए, तो उन्होंने ये भी सोचा कि हमारा क्या होगा, अगर हम धूल दे देंगे तो अरे हमारा चरणों का धूल, उनका चरणों का धूल हमको अपने सर पे लेना है, वो हमारे चरणों का धूल अपने सर पे रखेंगे तो हम तो नरक में जाएंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम नरक में जाएं, भले नहीं
उनको वो चाहिए ना, ठीक है चलो हम नरक में जाएं, लेकिन मैं उनको ये फटाफट उन्हें झाड़ झाड़ के अपने कपड़े वपड़े झाड़ के नरक में ले जाओ चलो हमारा कान्हा जो है वो तो सही रहे, उसका सर दर्द तो ठीक हो जाए। तो देट इज द मूड, ये जो मूड है बहुत जरूरी है कि अगर मतलब इवन मटेरियल कोई रिलेशन बनाना है तो ये जो है बहुत जरूरी है। हम लोग अगर सेल्फ इंटरेस्ट हम लोग रखेंगे, स्वार्थी रहेंगे कि मुझे इससे ये चाहिए मुझे इससे ये चाहिए, तो इट इज नेवर गोइंग टू वर्क। और भक्ति में तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो भगवान इवन भगवान है, भगवान के भक्त हैं, सभी से यही हमको जो है यही एक मूड रखना है। गुरु से भी हम लोगों को कैसे सेवा करूँ मैं, अरे गुरु महाराज मुझे आशीर्वाद दे दो, अरे गुरु महाराज मुझे ये दे दो, अरे तुम सेवा करो पहले, वो अपने आप आ जाएगा, उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भक्त भी ऐसे हैं भगवान के और भगवान भी ऐसे हैं, तो ये जो मूड है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही मूड बना के हम लोगों को भक्ति में आगे बढ़ना है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है यहाँ पे कह रहे हैं, और ये इनको कहा गया निष्कामी, तो भक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी और निष्कामी, इनको मतलब जो कोई भी कामना नहीं है। और जैसे